हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आइए देखते हैं एक्सेस में क्या खास है। यहां पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। तो ये एक्सेस का 2021 है मेरे पास, मैं इसी को ओपन कर लेता हूं। आपके पास जो भी है उसको ओपन करके सेम फंक्शन जो है, सेम जो टास्क मैं यहां पे कर रहा हूं, वो आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये बहुत सारे प्रोडक्ट के नेम आए हुए हैं, फिर प्राइस आई हुई है, क्वांटिटी है, टोटल है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी आपको दिख रही होगी। हमारे साथ समस्या ये है कि हम इन प्रोडक्ट के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहते हैं। अब क्वेरी किस तरह की होगी, क्या टास्क वो क्वेरी परफॉर्म करेगी, उसको भी जानना जरूरी। ये जो क्वेरी है ये एक ऐसा टास्क परफॉर्म करेगी जिससे ये नेम ऑफ प्रोडक्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा ये देखते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे जाके और यहाँ से हम क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे नहीं बल्कि क्वेरी डिजाइन पे जाना है। ये क्वेरी डिजाइन पे आओ और यहाँ पर एसक्यूएल पे चले चलेंगे, ठीक है। ये जो टेबल ओपन थी प्रोडक्ट वाली उसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेरी लिखनी है, क्वेरी क्या होगी उसको देखते हैं कि क्या आखिरकार क्वेरी लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मान लीजिए मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहता हूं तो यहां पे सेलेक्ट कमांड लिखूंगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है तो फिलहाल तो लिखने की जरूरत नहीं। और यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा, यानी एस्ट्रिक इसे बोलते हैं, ठीक है। और कहां से सेलेक्ट करना है, तो हमें सेलेक्ट करना है नीचे आकर के यहां पर हमें लिखना है ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो केवल ऑर्डर बाई लिख करके और फिर जो है जो भी आपके फील्ड का नेम है ऑर्डर बाई, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स कर देते, पर स्टूडेंट्स नहीं, नेम ऑफ प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, PROD UCT। असेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ लिखा नहीं है हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे लिखना होगा DESC, यही लिख देना होगा और फिर इसी को रन करा देना होगा। तो रन कराते ही आप देखेंगे यहाँ पे रन कराया हमने तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। 1 के बाद 4 आया है, 2 नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, नेम ऑफ प्रोडक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। पहले S वाला आया है, फिर M वाला, फिर L वाला, फिर K वाला, फिर D वाला। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि पहले Z वाला आएगा, Z नहीं है तो उससे जो पहले आता है वो उससे पहले आता है, वो ऐसे करके चलेगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो आप चाहे तो एसक्यूएल में असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई हो। लेकिन अब मान लीजिए कि दूसरी टेबल है, आप देखिए यहां पर टेबल 1 दिया गया है, तो क्या टेबल 1 को भी शॉर्ट कराया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं आप। इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, और क्लास दिया हुआ है, तो आप नेम ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पे भी जा सकते हैं, क्लास के भी बेस पे जा सकते हैं, आईडी के भी बेस पे जा सकते हैं। तो इस बार क्लास करके देखते हैं, ठीक है। क्लास करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके क्या करेंगे, क्रिएट पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ क्वेरी डिजाइन मिलता है, तो क्वेरी डिजाइन पे चले चलेंगे और यहाँ से इस क्वेरी को जो पहले लगाया था इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। क्वेरी 1 के ही नाम से ये सेव हो रहा है तो इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एसक्यूएल पे आ जाएंगे और जैसे ही एसक्यूएल पे आते हैं तो फिर वही चीज की यहाँ पर वही लिखना होगा जो हमने वहां पे लिखा था, सेम वही चीज यहाँ पर भी लिखना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके तब हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, एस्ट्रिक लगाइए और एस्ट्रिक लगा करके फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर इस बार जो है हमें सेलेक्ट करना है टेबल 1 से, तो ये टेबल 1 हो गया। तो यहाँ पर जो है हमने क्लास कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास भी दिया गया है, इसी वजह से मैंने यहाँ क्लास भी किया हुआ है और इस बार हम लोग क्लास से ही लेने वाले हैं। और सबसे पहले तो इस टेबल को क्लोज करेंगे जो टेबल 1 नाम से है और अब इसको ऑर्डर बाई मैंने कर ही दिया है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो यहाँ से जाके और यहाँ से इसको रन करवाइएगा तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा है, इसी के मुताबिक ये भी शॉर्ट हो गया, देख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि इसे आईडी के बेस पे शॉर्ट करा जाए तो आप यहाँ आईडी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर आएंगे एसक्यूएल व्यू पर और ये क्लास के बजाय हम क्या करेंगे यहाँ पर आईडी दे देंगे। तो जैसे लिखा गया है आईडी वैसे ही देना है आपको, तो ये आईडी दे दिया और अब यहाँ से चला देने की बारी है इसको, तो यहाँ से इसको चला दिया। तो यहाँ देखिए आईडी के बेस पे शॉर्ट हो गया। अगर आप नेम ऑफ स्टूडेंट दे देंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट के बेस पे शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से शॉर्टिंग करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ASC दे देते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे आईडी के बजाय अगर मैं क्लास ही देता हूँ, देखिए
क्लास कर दिया और यहाँ पे एएससी लिख देता हूँ, तो इसका मतलब कि ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने का ये भी एक तरीका होता है। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा है, पहले सिक्स आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फोर आ रहा है, वन आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया इसमें, ठीक है।